आज इस मंच पे मैं एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो जो भी करते हैं वो स्टाइल बन जाता है. अगर उन्होंने मान लो हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया ना, पूरी दुनिया ब्रेसलेट पहन के घूम रही है. ओहो. हाँ, जो बॉडी बिल्डर है उनको तो चलो सूट करता है, कहीं दुबले पतले भी ऐसे पहन के घूम लेते हैं, फिर ऐसे होके चलने लगते हैं क्योंकि भाई ने पहना तो हम भी पहनेंगे. ये वो सुपरस्टार हैं जो कहते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. अब जो बंदा खुद की नहीं सुनता, मजाल है कोई दूसरा उनको सुना जाए. ये जब बोलते हैं कि मैंने प्यार किया तो इनकी आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है. मैंने प्यार किया, किया तो किया, जो करना कर लो. इनके आगे अच्छे अच्छों की पेंट ढीली हो जाती है. हाँ. लेकिन खुद जब ये ढीली पेंट को भी ऐसे से करते हैं वो भी डांस स्टेप बन जाता है. हुड़ हुड़ दबं दबं. तो इससे पहले कि वो खुद पूछे कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं उन्हें. प्लीज वेलकम सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान. भाई आ जाओ बाहर. हाँ. हेलो सलमान भाई, सो तो नहीं गए अंदर? सलमान, हेलीकॉप्टर का पंखा चलता है, नींद आ जाती कभी कभी. गिरना मत. What is he doing here? दास दादा. हाँ? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे अर्चना जी ने भेजा, बोला ऊपर से दास दादा आप आओ, मेरा वीडियो निकालो, मुझे इंस्टाग्राम में डालना है. दास दादा वो तो कुछ भी बोल देती हैं. अगर आप गिर जाते हैं हेलीकॉप्टर से. हाँ. मैं दास दादी को क्या जवाब देता? जल्दी आओ, आप अपनी सीट पे बैठो, सलमान भाई की एंट्री करनी है. उतरोगे कैसे? चढ़ दो गए आप. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज वेलकम द असली सलमान खान. ओहो. जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, थैंक यू, शुक्रिया. जोरदार तालियां एक बार सलमान भाई के लिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. अपने शो पे आप देख सकते हो हमने कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते भाई, बड़ा पैसा बचाते हम. उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं आ रहे. बड़ी एक्स्ट्रा सारी चीजें होती है ना भाई जो हमने प्लान नहीं की होती, वो हो जाती हैं. अच्छा. जैसे हम आपने जैसे पीछे कमरे बनवा के दिए थे कि आर्टिस्टों के लिए, अब हम जब ब्रेक पे भी जाते हैं ये अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, उधर ठहर जाते हैं. पर फिर भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं. जैसे भाई अभी आपकी एंट्री के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया था ना, जिसमें दास दादा उतरे हमारे. ये एक्चुअली हमने बनवा रखा था अक्षय पाजी की एंट्री के लिए, तो उस समय बना नहीं हेलीकॉप्टर. तो नदीम भाई आ गए, कहते बोला करके ये जो बनाया है वेस्ट नहीं करने का. भाई का पैसा वेस्ट नहीं होना ना, इधर डालो, चाहे दास दादा आए लेकिन हेलीकॉप्टर आना चाहिए. अब वो हेलीकॉप्टर से मैं नहीं उतरता, वो अकीका है, वो हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए जंप मारते हैं. उनका स्टाइल है. उनका स्टाइल है. और हेलीकॉप्टर अपना नहीं है जी, अपना साइकिल है. इससे पहले कि हम लोग आज शो की शुरुआत करें भाई, मैं एक दिल से बात करना चाहूंगा. सलमान भाई फिल्मों में तो बिजी रहते ही हैं, लॉकडाउन में ये बहुत बिजी थे, और लॉकडाउन में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को जो आपने बहुत सारी जरूरत की चीजें थी, चाहे खाना दवाइयां, वो आपने मुहैया कराई, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उन्हीं के पैसे उन्हीं के पास जा रहे हैं, ये सब चीजें खरीद रहे हैं और वही पैसे जा रहे हैं वापस से इलाज में और एजुकेशन में. भाई एक आपको और चिट्ठी आई होगी मुरारी लाल नाम के एक बंदे की कि मेरे गांव में प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए चाहिए. उसको रिप्लाई मत करना, वो ही अर्चना जी है. वो इन्होंने भाई बाकी सब सही चल रहा है, खाली ये हमें प्रॉब्लम दे रही है. अभी आके मुझे बोला कि ये शो यू नो चलता रहेगा ना जी, इसे वो बगल का विला लेना है. और मैं तो देख रहा हूँ कि ये बगल का विला ले रही है, 2 ऑलरेडी हैं, तो उसके बाद बगल का एक और विला, और मैं अभी तक 1 बेडरूम में हूँ. तो
हाँ सारा मैं ही लूट के खा गई हूँ ना। नहीं चलो बाकी सारी बातें ठीक है भाई, बाहर जो आपका बोर्ड लगा है सलमान खान टीवी का, उसका बैनर उठा के ले गई। मैंने कहा ये क्या करना, मैं उसकी फैन हूँ, मैं क्यों नहीं लेके जा सकती। फिर मैं इनके घर गया, देखा नाइट सूट बनवाया हुआ उसका, राइट वाली टांग पे लिखा हुआ सलमान खान प्रोडक्शन, अच्छा लगता है। हमारे सीईओ है ना, सीईओ यो जी, मिस्टर नदीम कुरैशी जी जी, तो ये पूरा टीवी संभालते हैं, ये इधर ही बैठे, इनका क्लोज अप चाहिए। के लिए जोरदार तालियां, इनका पसीना छूट गया। कैमरा शाय है नदीम भाई बहुत। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा कि ये जो प्रोडक्शन चल रहा है हमारा जी, तो इसका क्या खर्चा कितना है। तो ऐसे ये सेट कितने बना है, ये जो जूनियर आर्टिस्ट जो आते हैं, जो ऑडियंस जो स्पॉट बॉय बनते हैं, लाइट मैन, लाइटिंग वाइटिंग, ये जितना भी है। तो ऐसे कपल कितना लेके जाता है। तो ऐसे तुम एसके टीवी के सीईओ हो, तो ऐसे ये तुमको जानना, ये कोई अपना काम है क्या। फिर मेरे को बानी जी को फोन लगाना पड़ा कि हमारा सीईओ तो बड़ा कमाल का है, तुम लोग चेक करो या तुम लोग ही बोल रहा। सलमान भाई ने जब आना होता है, हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड होती है कि सलमान भाई सेट पे आ रहे हैं, तो सारे मोटिवेटेड होते हैं बड़ा। तो आप तो खुद सलमान खान हो, आपको क्या चीज एक्साइट करती है। सलमान खान मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मतलब कि दो दिन पहले मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, मतलब कि ऐसा क्लियरली याद है, उसके पहले के जो 17 साल हैं, ओके, जब से ऐसा लगा कि अब काम करना शुरू चाहिए, वो ऐसा लगा था कि कभी काम मिलेगा नहीं। अच्छा, तो वो थिंकिंग, वो थॉट मेरे दिमाग में आज भी है। मैं 8 घंटे 16 घंटे 18 घंटे रोज काम करता हूँ। बड़ा मुश्किल है वैसे सलमान खान होना भी। सलमान, जब छुट्टी लेते हो तो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन छुट्टी के लिए जाने की फॉर यू? पनवेल। That's it. Either गैलेक्सी और पनवेल। कोई ऐसी कंट्री है भाई जो आपका मन हो जाने का कि मुझे विजिट करना कभी? नहीं, ये कंट्री बस आए है। मैंने देखा है सलमान भाई के जो फैंस है ना, वो लॉयल फैंस है। सलमान भाई जो भी करते हैं ना, वो फॉलो करने लगते हैं। कई तो इस चक्कर में शादी नहीं कर रहे कि सलमान भाई नहीं शादी कर रहे, अपने माँ बाप से भी बोल देते हैं कि सलमान भाई नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। हालांकि इनको इस बात का इल्म नहीं है कि सलमान भाई ने ऑफिशियली पोस्ट नहीं ली, फैसिलिटी सारी ले ही लेते हैं। भाई ये जो लोग आपको फॉलो करके शादी नहीं कर रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखो, मेरे टिप देने से ना देने से इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टिप तो आपको देना चाहिए कि शादी के बाद आपकी क्या जिंदगी, वो आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, लेकिन अगर आप पता चल रहा है, लेकिन अगर आप मुंह जबानी बोलें उनको कि शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, वो आपके एक्सप्रेशन से ये समझ जाएंगे कि नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर माँ की कसम भी खा के बोलोगे तभी भी नहीं माने। ये मेरी माँ कहती थी सलमान भाई शादी कर लो कर लो, अब जब से मैंने शादी की है बहू के पास बैठती नहीं है, मैं शूटिंग पे आके बैठी हूँ। सो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म अंतिम में मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकार को मंच पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। मुख्य मुख्य नहीं है, मुख्य ये इधर है। आप मुख्य हो, वो भी है पिक्चर के अंदर, है ब्रदर इन लॉ, लेकिन मुख्य ये, जिस हिसाब से काम है वैसा काम है। अच्छा, ये बात यहाँ तक के फैलिए। हाँ, ये मैंने सुना था कि गेस्ट अपीयरेंस वगैरह नहीं है, फुल फिल्म में हूँ। तो फिल्म अंतिम में दूसरी मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकार को मंच पर बुलाने का वक्त है। आज सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड आयुष शर्मा। ओहो,
आयुष बहुत बहुत स्वागत है आपका. जोरदार तालियां आयुष के लिए. आयुष सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. हमने ट्रेलर देखा, बड़ा ही कमाल का है जी. और आप क्या लग रहे हैं ये पहले क्लियर करो कि मुख्य कलाकार कौन है पिक्चर का. सर मुख्य कलाकार मुखिया इधर मुख्य जी. ये पिक्चर आई थी लव यात्री जी, उसमें ये मुख्य थे जी. आयुष बॉडी भी आपने यार कमाल की बनाई है. ये एक बात बताइए मुझे, सलमान भाई की फैमिली से जुड़ने के लिए बॉडी बनाना जरूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं. अरबाज भी है हमारा साथ. अरबाज भाई फिट है यार, बड़े अच्छे से फिट है. हाँ आप उनके सामने आजकल आनंद स्पर्श नहीं करो. नहीं ऐसा नहीं सर, क्या है कि मैं पहली बार जब अर्पिता को मिला था हाँ. तो उसने मुझे थोड़ा बहुत पतला सा था और उस टाइम मैं ना थोड़ा बहुत जिमिंग करता था. अच्छा. तो एक दिन हम लोग भाई ने फार्म पे बुलाया था हमको और भाई ने पूछा वर्कआउट करते हो? मैंने कहा. तो भाई ने कहा आ जाओ आज वर्कआउट करते साथ में. तो अर्पिता ने मुझे जाते जाते बोले ऐसे कोई मतलब मरने जा रहा था ना, सिर्फ छाछ छाछ को चलता है, बोलते कि देखो नहीं होता है तो बहाना मार देना, बोल दो लग गई है. मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी वर्कआउट करता हूँ. सर उस दिन वो सेशन चला था 1 घंटा 45 मिनट्स. अच्छा. मुझे लगा अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, और हुआ ही नहीं. तो जब मैं जिम से बाहर निकला मैं ऐसे निकला. आप सर मेरी दिक्कत सोचो, जब हम लोग कभी घर पे ऐसे पूल में कपड़े उतारते हैं कितनी शर्म आती हुई कपड़े उतारने में. सलमान भाई हैं, सोहेल भाई हैं, जब इनके कपड़े उतरते हैं तो हम लोग फिर क्या करें? बोल देगा मेरे को जुकाम है, मैंने स्विमिंग नहीं करनी. एक करीबन 3-4 साल पहले सोहेल, मैंने और डैड ने बेयर चेस्टेड एक पिक्चर हमने पोस्ट किया था और डैड के चार भाई थे. और एक बार मेरे टाइम पे कुछ 6-7 महीने का थोड़े बहुत एब्स आ गए, तो मुझे लगा भाई को दिखाने का टाइम आ गया है, मतलब अच्छा. आज मेरा दिन है. तो मैंने ऐसे अपने कपड़े उतार के ऐसे पूल में जा रहा था, सोचा भाई देखेंगे वहां से ना कि देखेंगे. तो भाई ने जैसे देखा मेरे को, मैंने कहा आज तारीफ हुई. फिर नीचे टांगों को देखा. एक दिन ये कुछ 1.5-2 महीने वर्कआउट करके अच्छा आए रात को दिखाने के लिए बॉडी. और मैंने एक कोई पिक्चर थी एंड आई जस्ट स्टार्ट, उसमें बॉडी शॉर्ट्स थे. तो दे सॉ मी के है 4 पैक है वगैरह. हाँ देन मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था 1.5 हफ्ते पहले. अच्छा. 1 हफ्ते पहले तो इनको ऐसा लगा कि आए दिखाएंगे ये वो. तो उन्होंने शर्ट उतारा, मैंने अपना शर्ट उतारा. कि नेक्स्ट डे मेरी शूटिंग थी. तो मुझे तो तैयार तो देखे अपना शर्ट पहने वापस. अच्छा जैसे ही आयुष ने बॉडी बनाई उसी समय शर्ट भी उतार दिया आपने जी फिल्म में जी. तो ये संगत का असर कहे या क्या? सर देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते. हाँ ये तो है कि मतलब सलमान भाई के सामने अगर शर्ट उतारने का मौका मिले, चाहे खुद को ही ऐसी आ रही है अपने आप पे राइट. कि जब भाई ने शर्ट उतारी और उसका जब मेरा शॉट हुआ तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी वो कपड़े उतारते हुए, मतलब कि कैसे ये चीज होगी. ये इतना सेल्फिश ब्रदर इन लॉ है. अच्छा. हाँ इतना सेल्फिश ब्रदर इन लॉ है कि मेरा टाइमिंग ना 2-3 दिन से ऑफ हो गया था. अच्छा. हाँ बॉडी के अंदर जो आप देख रहे हो ना ये 2-3 दिन से ऑफ था. अगर मुझे 2 दिन मिल जाता, खुद प्रोड्यूसर मैं हाँ. हाँ? इसने अपनी बीवी से फोन करा के बोला है अर्पिता से कि आस्क हिम नॉट टू एक्सटेंड दोस 2 डेज, डू इट नाउ ओनली बिकॉज़ आई एम रेडी. क्योंकि इन्होंने वाटर कट, सॉल्ट कट, ये कट, नो चावल, नो काम. अब ये पगलेट हो गए थे, अभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था. और अपन सब खा पी के अपन बॉडी बनाई. देखो शर्ट उतारी भी उस आदमी के सामने जो इस चीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं. सलमान भाई का एक फिल्म आई थी, आप सबको डायलॉग याद होगा, जिसमें सलमान भाई बोलते हैं कि जो जीजाजी कहेंगे मैं वो करूंगा. तो आज ना बड़ा करेक्ट मौका है सवाल पूछने का कि ये फिल्म जो है आपने जीजाजी के कहने पे की है कि आपके कहने पे इन्होंने की है? इनको इंप्रेशन दिया गया है कि इनकी वजह से. अच्छा. नहीं ये कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे चाहिए था कोई. आइए भाई हम बातों बातों में आपको बोलना ही भूल गए, आइए बैठिए. भाई ये ना कुछ क्वेश्चंस हैं
लोग पूछ रहे थे कि सलमान भाई आयुष साथ में आ रहे हैं तो आपका एक रिलेशन है, जीजा साला का रिलेशनशिप है, उसके ऊपर कुछ सवाल हैं। तो आयुष, जब अर्पिता से किसी बात पे कोई अनबन हो जाती है, मियां बीवी में हो जाती है, तो सलमान भाई किसकी साइड लेते हैं, आपकी के अर्पिता की? सर बड़ा कंफ्यूजिंग मामला होता है उस टाइम पे। अच्छा, पहली बार जब ये हुआ था तो मुझे लगा था कि भाई ऑब्वियसली अर्पिता की बात पहले सुनेंगे, बट भाई जो ये आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन, पहले 15 मिनट अर्पिता की टीम में थे। अच्छा। फिर उन्होंने वही स्टोरी घुमा के मेरी साइड से बता दी। अच्छा। और जब हम लोग कमरे से बाहर निकले तो झगड़ा तो खत्म हो गया, बट ये समझ में नहीं आया कि विजेता कौन रहा है झगड़े। अच्छा, बहन का भाई अगर कुंवारा हो जी तो वो अपने पति का जीना दुश्वार कर देती हैं जी, मेरे भाई के लिए कोई लड़की ढूंढो जी। आपको कभी अर्पिता बोलती हैं? भाई केपेबल है। भाई मोर देन केपेबल है। और भाई उस केपेबिलिटी से भागते हैं दूर। नहीं सर, जब स्टार्टिंग में हम लोग, मैंने अर्पिता से शादी की बात की थी, मैंने कहा कि बात करते हैं फैमिली से, तो उस जमाने में जब मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे होता है ना कि घर में बड़ों की पहले शादी होती है फिर हमारी होती है, तो मैंने से पूछा ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कल्चर? तो उसने मेरे को पहले रिप्लाई किया, देखो बेटा जब तक भाई की शादी के इंतजार करेंगे तू और मैं बुढ़े हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कर लेते, भाई अपने आप फिगर आउट कर लेंगे। जीजा साला की जो जोड़ी होती है ना, जय वीरू वाली होती है, कई बातें जो इंसान अपनी वाइफ से नहीं कर पाता, कभी कभी अपने रिलेशनशिप में आप जीजा साला कर लेते हो। आप कितने फ्रैंक हो भाई के साथ, सब बातें कर लेते हो आप? सर मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, कभी कभी ऐसी एंट्री होती है कि आए भाई, बाय भाई। एक बार ना भाई, आपके दोस्त साजिद नाड्याड वाला साहब, हम लोग उनके साथ बैठे थे तो वो आपके बारे में कुछ बता रहे थे, कहते मैं 30-35 साल से सलमान को जानता हूँ, सलमान का मैंने कभी मूड खराब देखा नहीं है, लेकिन कहते जो उनके साथ दोस्त होते ना एक दो, हमारे यही आपके हमारे सीईओ, आपके शो के प्रोड्यूसर नदीम कुरेशी, कहते ये जब बोल देते ना भाई का आज मूड खराब है, तो कहते सलमान सुन लेता है कि अच्छा मेरा मूड खराब है, तो कहते फिर वो मूड खराब करके। ये लोगों को अवॉइड करने के चक्कर में इन्होंने मेरे को इतना सड़ू, इतना गुस्से वाला, इतना कि इसका मूड हमेशा खराब रहता है क्या? हमेशा ये हमेशा खड़ूस रहता है ये हमेशा। अरे आज नहीं है भाई का मूड खराब है, आज है ना भाई बहुत गुस्से में, अरे आज नहीं बहुत परेशान है, अरे नहीं नहीं आज तो वहाँ किया आना ही नहीं, आज तो बहुत डेंजर मूड में। तुम ये अभी तक रुका नहीं आदमी, इसको मैं 20 साल से बोले जा रहा हूँ, अच्छा देखता है सॉरी। अरे कोई दूसरा एक्सक्यूज बना, बोल नहीं मिलना है। अच्छा मुझसे ज्यादा हाँ इनको नहीं मिलना होता है। क्या भाई आके पकाएगा? छोड़ो ना। एक लास्ट सवाल, जैसे ना भाई हमारे पंजाब में जब शादी होती है कोई, तो जब जीजा एंटर करते हैं तो इतना, मतलब जीजा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट हाउस, तो लेकिन जब शादी वादी विदाई होने लगती है ना, तब तक सारे सेट हो जाते हैं, फिर जीजा के कान में बोल देते हैं हमारी बहन का ना ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेना, ऐसा कुछ आपके कान में कहा गया था कभी? नहीं सर, उल्टा बोलते हैं, क्या अगर मेरी बहन ने तुम्हें परेशान किया तो मेरे को इतना कम टाइम स्पेंड करने में इनके दो बच्चे हो गए। आपका रेशो बहुत खराब चल रहा है भाई, हमारे पास तो फार्म हाउस है नहीं, हम फिर घर पे ही बैठे रहे। थैंक यू। अरे मेरे कोस्टार रेडी। अरे सर जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो सर। थैंक यू सर। कैसे हो सर? सर आपको पता है रेडी 2 की स्क्रिप्टिंग हो चुकी है और सब कैरेक्टर्स वैसे की वैसे ही है और सबका रोल बहुत अच्छा है। सर मेरा क्या रोल है? सर बस आप ही का रोल नहीं। पिक्चर स्टार्ट होती है एक मैयत से और उसको आसिन आग लगाती है। ठीक है सर, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, मुझे रोल दे दो। आप भी हो, आप भी हो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं दिल से
मैं थैंक यू कहूंगा कि रेडी फिल्म में इतना बड़ा रोल दिया आपने मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद किसी ने कोई रोल दिया या वापस से मेरे पास ही आओगे? उसके बाद सबने काम देख लिया। ये इस शो में हमारे दूर के चाचा जी हैं। अच्छा। दूर के क्या, उन्होंने पहचान लिया तो आप तो दूर के ना बोलो। सर यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम होती है? 2-3 एपिसोड के बाद मुझे नहीं अंदर आने देते। आप थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो, इसीलिए शायद आपको पहचाने नहीं वो। हाँ। आप वो सचिन कम कम उसके सचिन लग रहे हो, मतलब कि जवानी के सचिन लग रहे हो आप। हाय हाय। सर इसमें इज्जत है कि बेइज्जती थोड़ा क्लियर कर दो। जिनके साथ कंपेयर कर रहे हो उनका थोड़ा काम खराब हो रहा है। इस कॉम्प्लीमेंट के जरिए आपकी इज्जत है। चाचा जी करने क्या है इधर आप? हमारी अंतिम मूवी आ रही है। आप अंतिम में कहाँ हो? अरे यार मैं रेडी में था तो मेरी वही अंतिम थी। मैं सच्ची बताऊं, हाँ। अर्चना जी मैंने रेडी मूवी में काम किया, सुपर डुपर हिट हुई। हाँ। उसके बाद तो एक्टिंग से विश्वास ही उठ गया। तो फिर ट्राई क्यों करते रहते फिर? नहीं नहीं, इनका विश्वास उठ गया मेरी एक्टिंग। अच्छा मैं सर एक अंदर की बात है, 3 लोग इंडस्ट्री के हैं जो बहुत नाराज हैं आपसे। कौन? मैंने प्यार किया का कबूतर, हम आपके हैं कौन का टफी, रेडी का सुदेश लहरी। तो वो दोनों तो चलो टैलेंटेड है, आप क्यों नाराज है? एक आदमी की कैपेसिटी देखो। हाँ। कितनी बड़ी कैपेसिटी है। हमको ऐसा लगा था कि रेड्डी 200 करोड़ का धंधा करेगी उस वक्त। हाँ। किया उसने 100 कुछ। देखो क्या कैपेसिटी, क्या हुनर इस आदमी का कि इसने हमारे 50-60 करोड़ कम कर दिए। सर ये वाली फिल्म सुपर डुपर हिट हो और ये जब टू बनाए तो प्लीज मुझे जरूर रखना। ट्रेलर देखा है, मजा आ गया। आयुष आपने क्या कहा, पर एक बात कहूँ, आप इतने स्मार्ट हो, ये पेट भी थोड़ा अंदर करो। है? क्या इनका पेट अंदर ही तो है? नहीं नहीं मेरा पेट। ये पेट, ये थोड़ा मुझे बताओ एक्सरसाइज, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी करके थोड़ा दिखाऊं। जवाब मैं आपको देता हूँ कि खाओ कम। हाँ। और निकालो ज्यादा। चाचा जी आप करने क्या आवेदन? हाँ मेन बात है कि मैं सलमान सर आज बिजनेस की बात करने आया हूँ आपसे। मेरा कुछ करो, ब्रेक वगैरह दो, मेरा बहुत काम है। ये कौन सा बिजनेस है, ब्रेक दो मेरे को। कपिल My business is my business. None of your business. आप आज ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हमारे गेस्ट के साथ? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आते ही थोड़ा पहचान लिया था इसलिए। वैसे जब रेडी सुपर डिपर हिट हुई थी तो मैं घर पे भी गया था, सलीम साहब को मिला, उन्होंने मुझे खुद बिठा के बोला, कहते देखो सुदेश 100 फिल्में चाहे करना लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस घर पे आओ तो डोर बेल बजा के आना। सर एक्टिंग वगैरह का कुछ हो सकता है? जेहो में तो मेरा 1 मिनट का मुख्य रोल था। मुख्य? ये आपको क्यों साइन करेंगे चाचा जी? अगर आप मुझे अपनी हर फिल्म में रखें, चाहे मुख्य रोल दें 1-1 मिनट का, आपका बहुत फायदा होगा सर। क्या फायदा होगा? क्योंकि मेरे नखरे नहीं है ना, मैंने ये नहीं मैं ये खाऊंगा सेट पे ये पियूं, ना ना मुझे खाने के लिए चम्मच दे दो, मैं किसी की प्लेट में भी खा लूंगा, नो प्रॉब्लम। और ये नहीं है मुझे वैनिटी चाहिए, अकेले को चाहिए, किसी भी हीरोइन के साथ शेयरिंग कर लूंगा, नो एटीट्यूड। मैंने रिहा ही नहीं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं डेट्स की। डेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मेरी शूटिंग है फिर 1-2-3 जन्म तक मैं फ्री हूँ। और टैलेंट का क्या यार, इतना कुछ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा वो भी करें। चाचा जी उनको नहीं जरूरत है एक्टर की, आप जाओ, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों अब वक्त है फिल्म की लीड एक्ट्रेस और डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। प्लीज वेलकम MM एंड MM, यानी महिमा मकवाना और डायरेक्टर महेश मांजरेकर। जोरदार तालियां। सर नमस्कार। नमस्कार कैसे? वेलकम सर।
Hello, hi. I'm Mahima. Nice to meet you. Long time no see, Mahima. Long time. Mahesh sir, Mahima, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। सर बड़े स्टाइलिश लग रहे हो आप आज। मैं always always आज always. तो आप गुलाबी भी लग रहे हैं महेश सर। वो रोल अभी अब तीन चार रोल के बारे रेडी बीडी में था ना उसमें। अच्छा तो स्ट्रगल करने आ गया हूँ। पर सर हमने ट्रेलर देखा बड़ा कमाल का है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू महिमा, बहुत आपको बधाई। थैंक यू। जब ये आपको पता चला कि आप फिल्म कर रही हैं महेश मांजरेकर साहब की, साथ में आयुष हैं, सलमान खान है, और उसके बाद सीधा ही आप मुझसे मिल रही हैं, क्या आप आपको खुशी मिली आपको? सर मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। बिल्कुल आपसे मिलके तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मैं ट्विन कर रही हूँ आपके साथ। देखो मुझे पता था कि आप ये पहनने वाले, इसलिए मैं ऐसे पहन। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और फिल्म में भी आप कमाल लग रही हैं। थैंक यू। इसको हमने बाहर करीबन 200 रिहर्सल दिए, वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ, कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आई ले रही थी तो। और है ये एक्ट्रेस, आप इनको अंतिम में देखोगे, ये बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। फिर महेश आए तो महेश ने बताया इनको कि कैसे बोला जाता है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, थोड़ा सा स्माइल रखो, बोलो अच्छी तरह से, कॉन्फिडेंटली बोलो। महिमा फिल्म का नाम तो अंतिम है, ये एपिसोड भी आपका अंतिम ही समझो आप। डोंट वरी, प्रोड्यूसर इधर है। महिमा फिल्म का नाम अंतिम है तो आप लोगों को क्या बोलती हैं, मेरी अंतिम फिल्म आ रही कि मेरी पहली फिल्म आ रही? मैं इसी में अपना वर्ड प्ले कर देती हूँ ये बोलकर कि अंतिम से मेरी करियर की शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी। थैंक यू। महेश सर अंतिम नाम कैसे सोचा आपने? क्या होता है कि हर चीज का एक द ओनली रियलिटी लाइफ की इज डेथ, राइट? तो वो ये जो एक लोग सोचते ना, हम लोग ने ये बना लिया है, इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उनका एंड सबका एक ही है, वो धूल में होता है। द डे यू रियलाइज दैट तो यू डू सम गुड डीड्स इन लाइफ। सलमान की एक लाइन है फिल्म में कि ही सेज कि मेरे पास आज 300 एकड़ की जमीन है। सलमान सेज आज 300 एकड़ की जमीन है, शायद कल 3000 होगी, लेकिन अंतिम वक्त में काम आएगी 6x4। बिल्कुल। जब तक ये एक्चुअली फैक्ट, पहले मुझे लगा अंतिम टाइटल सलमान भाई ने दिया है कि ये अंतिम है, इसके बाद अपना अपना देख लो। अब सब लोग सोशल मीडिया के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिल्म स्टार्स अपनी अपनी फोटोग्राफ्स डालते हैं, कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो भाई वी हैव ए ह्यूज टीम ऑफ वन पर्सन जो हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो हम ढूंढ ढूंढ के निकाले, हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज यहाँ पे दिखाया जाए। ये सलमान भाई की फोटो है, ये लॉकडाउन के दिनों की है ना भाई? हाँ। अपने फार्म में खेती करते हुए दिखाइए इनके नीचे कमेंट्स। बड़े क्रिएटिव लोग हैं भाई अपने हिंदुस्तान के। किसी ने लिखा अम्मा बोलेगी शादी तो करता नहीं, हर रोज गंदा होके आ जाता है। एक ने लिखा भाई खेती कर लो शादी मत करना, फसल कभी नहीं पूछेगी कि शाम को कहां थे, इतना लेट क्यों आए, बीवी जान खा जाएगी कसम से। कोई होगा दुखिया रहा आगे आए। ये अच्छा, ये आपने इतना लंबा कैप्शन डाला। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एज एन एक्टर इज अ लव एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस। मैं बिना पढ़े भी कमेंट्स पढ़ सकता था। आई जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट आई कैन रीड इंग्लिश। दिखाइए जरा यार, कमाल लग रही बॉडी भाई। थैंक यू सर। गुस्सा तो ऐसे है जैसे इनका वड़ा पाव दूसरे बंदे को दे दिया हो। और आगे दिखाइए, आप लीजिए बवंडर प्रोटीन, जोश जगा दे, भगदड़ मचा दे। ये कौन सा प्रोटीन है? और दिखाइए, भगदड़ मचा दे।
लगता है बॉडी दिखा के फ्री में खाने का इरादा है. पीछे रेडी लगी ना वड़ा पाव की. और दिखाइए. ही डजंट नो दिस पिक्चर इज ऑन इंस्टाग्राम. है मैं सर सच्ची नहीं पता. हाँ नहीं मालूम. तो वेट कर दिखाइए. घर पे घर का कमेंट्स. चीची भी आया था. महेश सर भी लाइक. सच में यार ये बंदा दिल में आता है समझ में नहीं आता. इतना मत सोचो फिल्म 200-300 करोड़ पार कर ही लेगी. मुझे बस इस कमेंट का 500 रुपया मोबाइल पे कर दो. एड्रेस दे दोगे तो मैं घर से भी कलेक्ट कर सकता हूँ. हाँ और दिखाइए आगे. बंदे की सोच छोटी है. महिमा मकवाना स्ट्रोलिंग अराउंड द सेट फॉर ए कैमल राइड. ओके दिखाइए कमेंट्स. वाह रे हीरोइन ऊंट के साथ भी मैचिंग कपड़े. अब समझ आया तुम इतनी कम उम्र में इतना ऊपर कैसे पहुंच गई. ऊंट पे कहां ऊटी जा रही हो. किसी ने रिप्लाई किया नाग पे बैठी होती तो क्या नागपुर जा रही होती. बढ़िया है. और दिखाइए. ओहो जी दिखाइए नीचे कमेंट्स. जरूर उस तरफ से सुंदर कन्या आ रही होगी इसलिए दोनों का ध्यान कैमरे की तरफ नहीं है. किसी ने लिखा दोनों ही घोड़े हैं एक जमीन पे दौड़ता है दूसरा बॉक्स ऑफिस पे. वाह. किसी ने लिखा भाई सारे कपड़े बेच मत दिया करो एक आध शर्ट अपने लिए भी रख लिया. बिना देखे बता सकता हूं पक्का घोड़ा होगा क्योंकि भाई घोड़ी कभी नहीं चढ़ेगी. और हैशटैग भाई प्लीज शादी कर लो भी लिखा है किसी ने. थैंक्स टू लॉकडाउन बीन राइडिंग ऑन वाटर. अच्छा वो मुझे लगा सच्ची का मोटरसाइकिल है पानी में चला. हाँ ये काम अच्छा पकड़ा लॉकडाउन में. पर राउंड क्या चार्ज करते हो. किसी लिखा मानसून में कुरला घाट को ऊपर के बीच चलाया करो खूब सवारी मिलेगी. आगे. महेश सर की हो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. 8 months ऑफ एफर्ट बेयर फ्रूट इफ आई कैन यू ऑल कैन डू इट टू. ओहो इतनी अंग्रेजी. जी दिखाइए. क्या बात है सर बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं आप. कॉन्टा डाइट फॉलो केला सर तुम्ही. अच्छा ये दाढ़ी है या मुंह पे तितली बैठी है. ओह चश्मा टूट गया है तो वेल्डिंग करा लो. सर दाढ़ी पहले से ही नीली थी या इंस्टाग्राम ने आपको वेरीफाई किया है. एक्चुअली वो नीला होता है ना उनका भी वो जो टिक होता है. ब्लू टिक. ब्लू टिक. नाइस. बहुत अच्छा कमेंट है. और बताइए. गुड वंस. खत्म. अरे यार ये और लंबा होना चाहिए था. अरे यार सलमान सर. ओह माय गॉड यार. कैसी है महिमा जी महेश जी आयुष जी. माय गॉड यार जोरदार तालियां. पर क्या प्रोमो है फिल्म का. मुझे इतना मजा आया है ना भाई. सरदार की हटेगी सबकी फटेगी. व्हाट अ डायलॉग. रियली व्हेन यू से इट यू मीन इट. यू रियली मीन इट. आई लव इट. और आयुष जी यार ट्रेलर में आप कह रहे हैं कि आई एम प्लास्टिक. नो यू आर नॉट प्लास्टिक यू आर गोल्ड. बोला यार. थैंक यू सर. थैंक यू. पर मैं अपना तारुफ करा दूं सर. My name is Damodar Jet Malani. I'm a lawyer. वकील हूँ. यहाँ रहता हूँ इधर. मोहल्ले में इधर पीछे ही रहता हूँ. ओ वकील साहब. हाँ जी हाँ जी. ये आपका मुन्ना रेडी हो गया है. ले जाओ इसे. हाँ हाँ हाँ. चलो ठीक है निकलो. वकील साहब ये आपका बच्चा है. नहीं किसका बच्चा है. ये मेरा नहीं है. हाँ मेरा है ही नहीं. मैं आपको बता दूँ सर है. Can I have a seat? आपकी तो अपनी भी है. बैठ जाओ आप. आइए. वो क्या है सर. मैं तो ये जो बच्चा है सर आप मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान गए थे. जिस बॉय मुन्ना. अच्छा इसको छोड़ने के लिए मैं भी पड़ोसी देश जा रहा हूँ रशिया. छोड़ना है मुझे. रशिया कब से पड़ोसी देश हो गया. नहीं है. नहीं नहीं. तब क्या हुआ मैं गोवा में रुका था. मेरे पड़ोस के कमरे में दो रशियन थे. हाँ. मुझे लगा यही पड़ोसी देश है. बट दीज रशियंस वेरी केयरिंग नेचर.
Very sharing nature. Salman ji, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. वहाँ पे एक लड़का था रशियन, उसके पास लिप बाम नहीं था. तो? फिर भी उसने लड़की को लिप बाम दिया. कैसे? फोटो में लगा हुआ था लिप बाम. डायरेक्ट. कर इस मुन्ना को लेके मुझे जाना है, लंबा सफर है मेरा. ओहो, पर सफर से मुझे एक शेरा याद आ गया. शेरा नहीं, शेर नहीं, सलमान सर आए तो शेरा ही याद आएगा यार. सोफा ना तोड़ देना आप, ये तो बीच में गाना डाल दिया आपने. तो बीच में क्या नाना डाल दूं? एनीवे सर, मुझे इसको छोड़ने जाना है. अच्छा मुन्ना सुनो यार, तुम सुनो इधर मुन्ना, हमारे सफर में अगर मेरी आंख लग जाए, मुझे नींद आने लगे, तो तुम मेरे पैरों में ना गोली मार देना. अरे क्या क्या बात कर रहे हो, गोली से जान चली जाएगी? तो यार जान तो मेरी कब की छोड़ के चली गई मुझे. हाय हाय, क्या दिन याद करा दिया शर्मा तुमने. अब तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा सर. सर मेरी जान के बारे में बता दो, ये उन दिनों की बात है जब आपकी फिल्म आई थी प्यार किया तो डरना क्या. आप स्टेज पे चढ़े, शर्ट उतारी आपने, आपने गाना गाया. सेम टू सेम अपनी जाने मन के लिए मैं भी स्टेज पे चढ़ा. मैंने शर्ट उतारी. उस दिन महेश जी फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि शर्ट उतारने से पहले चेक करना चाहिए कि अंदर कोई बॉडी है. क्योंकि ये वाली जो बॉडी है ना सर, ये बहुत ज्यादा लोग को पसंद नहीं आती है. इट हैज अ नीश ऑडियंस. मैं महेश जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर ना बहुत सारी हीरोइन आती हैं, मुझे कहती हैं यू आर सो क्यूट, पर जब बाहर मुझसे मिलती हैं, मुझे देखते ही अपना गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेती. महिमा जी, लेकिन मुझे पता है, पता कि मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगी. क्यों? क्योंकि बाहर इनकी गाड़ी का शीशा मैं अभी तोड़ के आया हूँ. महिमा जी, आई नीड लिटिल हेल्प. Yes. If you don't mind, what has happened? That एक कोर्ट में ना मेरा एक केस चल रहा है, हाँ? उस केस में गवाही की जरूरत है. आपको सिर्फ आके कहना है जज के सामने, हाँ हाँ यही मेरा पति है. Simple. झूठी गवाही क्यों देंगी वो? अच्छा झूठी नहीं देती है गवाही? नहीं. अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं ये फिर मंगलसूत्र आपको पहना देता हूँ, सच्ची हो जाएगी गवाही. उसमें क्या? वो आपसे शादी क्यों करेंगे वकील साहब, शर्म नहीं आती? ऐसा मत कहो यार, हो सकता है कि उनका टेस्ट खराब हो. सलमान भाई क्या सोचेंगे वकील साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप? ब्रदर आप चिंता ना करो, आप सोचो घर जाके आपको बीवी को चार जवाब देने, इनको नहीं देने, ये क्यों सोचे? सर मैं आपका इतना बड़ा फैन रहा हूँ, वेरी ह्यूज फैन. सर आपकी फिल्म आई थी तेरे नाम, उसी दिन मैंने तब से लेके आज तक तेरे नाम के हेयर स्टाइल के साथ घूम रहा हूँ. ये किस एंगल से तेरे नाम का स्टाइल है? नहीं यार शर्मा, ये बात गलत है. देखो मिडिल पार्टिंग तो है, वो अलग बात है कि मेरी मांग थोड़ी सी चौड़ी है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ये जिसका भी कटोरा है उसको वापस करो, उसने खिचड़ी खानी है. क्या बात हुई यार. सलमान जी आपसे एक बात पूछनी थी, ये जो लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन के दौरान ये फिल्म इंडस्ट्री में काम वाम काफी ऊपर नीचे हुआ क्या? आप क्यों पूछ रहे? नहीं, क्योंकि अभी फेसबुक पे जैकलिन फर्नांडिस से मेरी चैट चल रही थी. अच्छा अच्छा. वो मेरे से एक 300 रुपए का रिचार्ज मांग रही थी फॉर द मोबाइल. अरे किसी ने नकली आईडी बनाया होगा जैकलिन का. नहीं नहीं, अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ. मैंने उनसे पूछा, आर यू द रियल जैकलिन फर्नांडिस? उसने कहा यस आई एम द रियल जैकलिन फर्नांडिस. और ठीक है, मुझे लगा कि अभी थोड़े हफ्ते भर पहले मैंने 1500 रुपए दिए थे संकी पांडे जी को, इन्होंने भी मांगे हैं, मैं दे देता हूँ. वो भी नकली होंगे. वो नकली कैसे हो सकते हैं, वो तो सामने सामने लिए उनने मुझसे. वकील साहब मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया. बताइए बताइए. चलिए आपका तंग कर रहे हैं हमारे मेहमान. मैं निकल जाऊंगा सर, पर जैसे तो हम्बल रिक्वेस्ट, आइए ना, दो स्टेप हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया. अगली बार आपसे मुलाकात होगी. अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे केस जाके हारने हैं. थैंक यू, किसको भी पहुँचाना होगा. ऑलराइट,
सलमान भाई हम लोगों ने एक छोटा सा मोमेंट है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेके आओ जरा गुब्बारे, आपने अपने डायलॉग बोलने हैं, लेकिन पहले इसको इनहेल करना है। ओहो, ये आयुष इसमें थोड़ी टाइमिंग वाली गेम है जी, कि बस जैसे इनहेल करना है उसके बाद डायलॉग। पहले कौन शुरुआत करेगा? सलमान भाई। सलमान भाई तो डायलॉग आप अपना ध्यान में रखना, कोई कौन सा, इसको इनहेल करते ही आपने डायलॉग बोलना है। किस दिन सरदार फटेगी, सब भी फटेगी। अब आपकी बारी है जी। नो नो, एंड देन इनहेल इट। अपुन पुणे का नया भाई है। तो पुणे का नया भाई है, मैं हिंदुस्तान का पहला सेंटर। मैं सर, आप ट्राई करेंगे? वंदना आप भी करेंगे? कपिल तेरी आवाज। डायलॉग कौन सा बोलूं? याद जा रहा बेटा। देखो आपके लिए पिंक। आई हैव थैंक यू। स्पेशल चाय बोलते हैं इसको, पीने से पहले बोलना सीख। पूरे इनहेल करके बोलो। आता काय बोलू। अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ो, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अरे आपने इनसे शादी कब की? अरे अभी अभी सलमान जी, मैं होटल में गया, जैसे ही मैं रिसेप्शन में मैंने एंटर किया, ये आई, इसने वरमाला पहनाई मुझे, टीका लगाया, वेलकम, हो गई ना शादी, क्यों नहीं है? अरे वो आपके स्वागत के लिए पहनाई होगी। हाँ। क्या? हाँ। मैं फिर से बड़ा धोखा। ये क्या बात हुई? बाबा आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी हो गई है। तेरी शादी कैसे हो गई? बाबा मैं होटल में गया, इन्होंने वरमाला मेरे गले में डाली, मुझे टीका लगाया, मेरी शादी हो गई। अबे घोंचू, इतना बड़ा हो गया अक्कल नहीं है तेरे को? अबे शादी नहीं हुई, स्वागत कहते हैं इसे। कहता है शादी हो गई है, मतलब मेरी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है। तुम मेरी बीवी नहीं हो सकते। ए, उसको क्या चिल्ला रहा है? खुद लेकर आया है, उसको चिल्ला रहा है। बाबा एक मिनट, आपके गले में यह हार कैसा? बाबा आपका भी किसी होटल में स्वागत हुआ है? हाँ हुआ था। तो फिर ये होटल की लड़की यहाँ पर आपके साथ क्या कर रही है? ये तो रिक्शा वाली है। हेलो, मुझे यहाँ तक छोड़ने आई है। हेलो, मैं कोई रिक्शा विक्शा नहीं चलाती। हाँ तो ऊपर वाले ने हाथ दिए, चलाती क्यों नहीं? चला। मेहनत कर पापा। ए, आपकी छोरी पकड़ी गई है पापा, आपको भी लगा कि आपकी शादी हो गई है, तभी आप इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बाप की चोरी पकड़ता है। और तुम क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। ये हेलो। यार ये तो फिर से शादी हो गई मेरी। नमस्कार सलमान जी, नमस्कार। सर ये हमारे मोहल्ले के नकली गरम जी हैं और ये नकली फनी जी हैं। हाँ तो बताने की क्या जरूरत है, जो असली है ना उनके सामने तो सब नकली लगते हैं। गरम जी, वी लव यू, वी लव यू। पिछले एपिसोड की माफी मांग रहे हैं।
क्या बात है, वाह बड़े बड़े लोग, क्या बात है आज तो। इस शो के प्रोड्यूसर, वाह ऐसा प्रोड्यूसर भगवान सबको दे। क्यों? हाँ अरे आओ ना। अरे महेश साहब ऐसे प्रोड्यूसर कहीं नहीं मिलते। अच्छा? दूध मांगो तो खीर देते हैं, चावल मांगो तो बिरयानी देते हैं, पेमेंट मांगो तो गाली देते हैं, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। ये हैं ये हैं फोटोग्राफर्स के कैलाश खेर। ये तो वो फोटोग्राफर है जिसने पंकज उदास को भी कहा था स्माइल प्लीज। सलमान भाई क्या कहा था? पंकज उदास को भी कहा था स्माइल प्लीज। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर कृष्णा को इतनी दिक्कत क्यों देती है? आपकी सलमान भाई हमने सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन एक आपकी फिल्म थी कहीं प्यार ना हो जाए, उसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी नहीं लगी थी। क्या? कश्मीरा? नहीं चंकी पांडे। लेकिन चंकी पांडे तो उस फिल्म में थे ही नहीं बाबा। घोंचू तू इशारे नहीं समझता क्या? शाम को हमें घर भी जाना होता है। ये देखिए आइए, ये हमारे शो के राइटर हैं। अंकुश मैं एक चीज इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। महेश साहब आप तो डायरेक्टर हैं जानते हैं, हम लोग जो इतना अच्छा करते हैं उसमें अकेले की मेहनत नहीं होती। इसमें 50% मेरी मेहनत है और 50% ऊपर वाले का कर्म है। आप चेक करते हैं। वाह वाह। कैरेक्टर कोई भी हो प्रोड्यूसर को माई बाप बना के रखना चाहिए। वाह सलमान जी वाह, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। और वो जो बजरंगी भाईजान थी उसमें जो मुन्नी को आप पाकिस्तान छोड़कर आए, वाह मैं बधाई देता हूँ आप। बाबा हाँ मैं भी तो गदर में पाकिस्तान गया था, मुझे भी बधाई दीजिए। अच्छा तूने तो वहां जाके सारे नलके उखाड़ दिए थे उनके, उसका क्या? वो कौन है? अशरफ अली, वो आज भी बावड़ी में नहा रहा है। प्रोड्यूसर साहब आए हैं, शो की बातें कीजिए ना। हाँ शो बहुत अच्छा चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, अभी और चलेगा। ये भी अच्छा लगा हुआ है। अच्छा है, सीख रहा है। और मेरा तो आप लोग जानते ही हैं। बस इतना ही पापा, मेरे बारे में भी कुछ बताइए। अरे क्यों नहीं, ये भी है आता जाता रहता है। और सुन बेटे कहाँ अपनी बातों में लग गए, आयुष बाबा आए हैं यहाँ पे। आए हैं बाबा। उनको फिल्म की बधाई दे, इतना बढ़िया, क्या बात है, लड़के ने क्या बॉडी बनाई है, हैं? और प्रोमो भी कमाल का है बेटा, मैं दिल से मेरा आशीर्वाद है पिक्चर आप लोगों की सुपर डुपर हिट होगी, देख लेना।
बधाई तो दे उनको। बाबा लेकिन मैं बधाई कैसे दूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या बेटे? ये महिमा जी की पहली फिल्म इनकी अंतिम फिल्म है। समझ में नहीं आ रहा, पहली फिल्म की बधाई दूं कि अंतिम फिल्म की बधाई दूं? बेटा एक काम कर, तू बधाई दे दे, पहली अंतिम वो देख लेंगे। सिर्फ वो क्यों देखेंगे, हम सब देखेंगे, साथ में देखेंगे बाबा। हम पहले दिन अंतिम का पहला शो देखेंगे। ये क्या कंफ्यूजन लगा रखा है, पहले दिन अंतिम का पहला शो देखेंगे? ये क्या है यार, तूने तो मेरी गणती भी खराब कर दी। बाबा गणित होता है गणित। हाँ तो खराब हो गया ना। क्या कर रहा है वो, इतने बड़े डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हैं, इतने साइलेंट। क्या सोचेंगे हमारे बारे में वो? नमस्कार। तुम्ही थे आली माला बुद मजी वाटली, ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाई जसा, मुलगी शिकली प्रगती झाली। आर मायाजी किद्दा तुसी इथे आए, कलेजे विच ठंड पै गई। ए उनसे क्या पंजाबी में बात कर रहा है? तो आप उनसे मराठी में क्यों बात कर रहे हैं? तो वो मराठी हैं तो मराठी में ही बात करूंगा ना। तो मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी में ही बात करूंगा ना। क्या तू पंजाबी है? हाँ बाबा। तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तेरे को एक बात पता है? क्या बाबा? मैं भी पंजाबी हूँ। आप भी पंजाबी हैं? अरे वाह यार। गरम जी गेस्ट से भी बात करो ना, आप तो आपस में लग गए। हाँ 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 जरूर गैस से भी बात करेंगे। सलमान जी आइए बैठिए आप प्लीज, क्योंकि ऐसी बातें जो होती हैं बैठ के होती हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, मैंने आप लोगों का फार्म हाउस देखा। क्या बात है, काफी बड़ा है इनका, और हमारा जो फार्म हाउस है वो भी काफी जवान हो चुका है। मैं सोच रहा था कि अगर आपका फार्म हाउस और हमारे फार्म हाउस के बीच में मतलब रिश्ता जुड़ जाता और अगर हाथ पीले हो जाते तो मजा आ जाता। बाबा ये तो कमाल का आइडिया है, हमारे फार्म हाउस की शादी आपके फार्म हाउस से हो जाएगी, फिर उनके छोटे छोटे बगीचे होंगे। हाँ और फिर तो शादी में क्या इशारा कर रहे हैं आप पापा? मैं कह रहा हूँ शादी में नाचेंगे। वो तो हम नाचेंगे, चने के खेत में मजा आएगा। हाँ ये नाचेगा ना, हम बोतल वहाँ पे खोल। पापा पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पापा ये तुनक तुनक तो नहीं है। तो फिर क्या है ये? आपके सारे इशारे मैं समझता हूँ पापा। अच्छा इशारे समझता है तू? समझता हूँ मैं पापा। तो ठीक है अभी मैं इशारे करूंगा, इनकी फिल्मों के नाम बता क्या है। चल ओ हम दमशराज खेल रहे हैं। हाँ वी विल प्ले दमशराज, मेरा फेवरेट गेम है पापा। सलमान जी की फिल्म है। ओके बता ये कौन सी फिल्म है? पता नहीं पापा कौन सी फिल्म है। हम आपके हैं कौन? चल कोई नहीं, मेरा बेटा है इसको एक और चांस देता हूँ मैं। बताइए कौन सी फिल्म है? ये हम आपके कौन है पापा? मैंने प्यार क्यों किया। चल कोई नहीं, मेरा बेटा एक और आखिरी चांस तुझे। हाँ। बताइए कौन सी फिल्म है? कौन? नहीं मैंने प्यार क्यों किया? नहीं तो नो एंट्री। नो एंट्री का ये इशारा कैसे हुआ? अरे वो आदमी नो एंट्री में घुस रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ कहाँ घुस रहे हो, नो एंट्री है। ये खोचू देखा इसको, कुछ नहीं पता इसको।
वाह बाबा वाह, कमाल का खेल खेल रहे हैं आप। अच्छा अब मैं इशारा करूंगा, आप बताइए कौन सी फिल्म है। हाँ चल मैं बता दूंगा। आई यू ओके, ये भी गो, ये बताइए ये कौन सी फिल्म है। हम आपके हैं कौन? नहीं, मैंने प्यार क्यों किया? नहीं, नो एंट्री। नहीं, ये रेडी है तेरी तो, ये रेडी कैसे हो सकती है? अब तक तुम रेडी क्यों नहीं हुए? अच्छा एक मिनट, इसने मेरा इशारा कॉपी किया है। नहीं बाबा, हाँ। एक और हो जाए। हाँ चल बता। ठीक है बाबा, बताइए ये कौन सी फिल्म है? बाबा रामदेव। नहीं बाबा, ये है टाइगर जिंदा है। अबे टाइगर जिंदा है, ऐसे कैसे हो सकता है? टाइगर जिंदा है तभी तो सांस ले रहा है। खैर कोई बात नहीं, चल अब ये फिल्म बता। ये कौन सी फिल्म हुई बाबा? ये क्या है? अबे तेरी फिल्म है, बहुत इजी है। मेरी? हाँ। नहीं बता बाबा, ये कौन सी फिल्म हुई? जीत। ये जीत का इशारा कैसे हो सकता है? अरे सामने वाला जीत गया, मैंने बोला ओ नो। है कि नहीं आयुष बाबा? कुछ आता जाता नहीं। हाँ रोना नहीं मेरे बाबा, लेकिन आप इस तरह गलत काम कर रहे हैं बाबा मेरे से। रोना नहीं मेरे बच्चे। बाबा जीत फिल्म है। रोना नहीं, मेरी काजल को वैसे भी सलमान से ले गए थे, मुझे याद दिला दिया। मेरा बेटा संतरे की गोली खाएगा? खाऊंगा बाबा। आएगा ना? खाऊंगा। देख इतने बड़े गेस्ट आए हैं बेटा यहाँ पे, मेरा बच्चा है ये। ये बहुत अच्छा गोरिल्ला बनता है। अरे मेरे बाबा कमाल का डायनासोर बनते हैं। नहीं 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 पापा, मेरे को पापा नहीं, मेरे निकालना पड़ेगा पापा, प्लीज। शर्म आती है बेटा। नहीं क्या पापा, आइए ना। मैं ठीक है, बहुत अच्छा डायनासोर बनते हैं पापा। मैं अकेला नहीं बनूंगा, मैं तो तू भी मेरे साथ बनना। ठीक है ठीक है, मैं भी बनता हूँ। हाँ आपको दिखाते हैं हम डायनासोर। सलमान भाई देखो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंतिम की पूरी स्टार कास्ट के लिए और हमारे डायरेक्टर साहब के लिए। आइए सर। थैंक यू सलमान भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया भाई, आप ऐसे ही आते रहा करो। और थैंक यू थैंक्स अ लॉट। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए और आने वाली फिल्मों के लिए भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।